जो मेरा लाइफस्टाइल है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। बच्चों को क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हो? और जिस चीज़ से आप प्यार करते हो ना, उसमें तरक्की करना और ईजी हो जाता है। गिव अप मत करो, गिव अप कर दिया तो रिग्रेट होता है बाद में। आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और पूरी इंडिया आप पे प्राउड करती है। तो सो गाइस, हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब, आप सबको मेरा मेरा यह है ब्लॉग जपलीन तेरा तेरा। आज है मेरा न्यू ब्लॉग, वो भी इंटरव्यू का, वो भी बता किसके साथ? मनु भाकर दीदी जी के साथ। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आप पूरी वीडियो देखो मेरी गाइस, कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। और मेरे वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और बेल आइकन का बटन तो ठोक ही देना। इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप सबके लिए, थैंक यू गाइस। देखो मनु भाकर जी आज मेरे को मिली और सारे बच्चे इनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और मैंने भी ठान ही लिया था कि मैं इनका इंटरव्यू लूँगी और इनसे मिलूँगी और इनके साथ फोटोज़ खिंचवाऊँगी, बहुत सच्ची। तो पहले मैं आपको बताती हूँ मनु भाकर जी के बारे में कुछ। मनु जी का जन्म हरियाणा में हुआ था। मनु भाकर के नाम को आज कौन नहीं जानता है, जिन्होंने ओलंपिक गेम 2024 में जीत दर्ज की। मनु भाकर पहली ऐसी खिलाड़ी है, एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। मनु भाकर ने रचा इतिहास, इससे पहले आज तक एक ओलंपिक में किसी ने दो मेडल नहीं जीते। बचपन से ही इनको शूटिंग गेम में बहुत इंटरेस्ट था। तो चलो आज लेते हैं इनका इंटरव्यू मेरे व्यूअर्स के लिए। पर्सनली भी बहुत हम्बल और काइंड है ये। आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और पूरी इंडिया आप पे प्राउड करती है, तो आपकी पहले की लाइफ और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस है? पहले की लाइफ और अब की लाइफ में डिफरेंस इतना है कि अब लोग थोड़ा रिकग्नाइज करते हैं, बट हमारी तरफ से एफ़र्ट्स और मेहनत सेम रहेंगी और जो मेरा लाइफस्टाइल है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। थोड़ा सा ब्रेक मेरे कोच ने दिया है मुझे 2-3 महीने का, बट उसके बाद वापस ट्रेनिंग, सेम शेड्यूल। और आप बच्चों को क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हो? मैं बच्चों को बोलना चाहती हूँ और उनके पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ पहले, कि आप अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ें ट्राई कराओ और उसमें जिन में भी उनका मन सबसे ज़्यादा लगे, जैसे आप कुछ इंजॉय करते हो, फिर उसको पकड़ो, उसके पीछे मेहनत करो बहुत सारी। और जिस चीज़ से आप प्यार करते हो ना, उसमें तरक्की करना और इजी हो जाता है। तो मेहनत करते जाओ, गिव अप मत करो। गिव अप कर दिया तो रिग्रेट होता है बाद में, कि थोड़ा सा और कर लेता तो शायद अच्छा होता। तो मेहनत करते जाओ जिस चीज़ को भी आप पसंद करते हो उसमें। थैंक यू, आपने इतना अच्छा बोला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन का बटन ठोक देना। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियोस हो रहे हैं जल्दी से जाके देखो और मेरे फेसबुक पे क्लिक करके सब्सक्राइब करो।